हेलो फ्रेंड्स, दी प्लैनेट मोर का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष तक कैसे जाते हैं और फिर अंतरिक्ष से वापस कैसे आते हैं। अंतरिक्ष यात्री स्पेस तक जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट का यूज करते हैं। अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को ले जाने के लिए रॉकेट का यूज किया जाता है। सैटेलाइट स्पेस में रहकर ही अपना काम करते हैं और ये पृथ्वी पर वापस नहीं आते हैं, जबकि स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आते हैं। अब हम यह जानेंगे कि आखिर रॉकेट क्या होता है। रॉकेट एक प्रकार का वाहन होता है जो सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को स्पेस तक ले जाने के लिए हेल्प करता है। यह न्यूटन्स थर्ड लॉ पर वर्क करता है। कहने का मतलब यह है कि यह बराबर क्रिया तथा प्रतिक्रिया पर आधारित है। इसमें फ्यूल ठोस तथा तरल होता है। अब हम स्पेसक्राफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। इसमें रहने, खाने और सभी इम्पोर्टेंट वर्क करने की सुविधा होती है। अब हम स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के अंतरिक्ष तक जाने के पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे। स्पेसक्राफ्ट दो सहायक बूस्टर रॉकेट और एक मेन इंजन से जुड़ा होता है। बूस्टर रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में हेल्प करता है, और जैसे ही दोनों बूस्टर का फ्यूल खत्म होने लगता है, ये स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं। उसके बाद रॉकेट का मेन इंजन स्पेसक्राफ्ट को स्पेस तक पहुंचाता है। स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में पहुंचने पर मेन इंजन भी स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। अब यहां से स्पेसक्राफ्ट का सफ़र स्टार्ट होता है। इस स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रोनॉट वैसे ही चलाते हैं जैसे एक नॉर्मल पायलट किसी जेट को चलाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से अंतरिक्ष यात्री अपने सभी टास्क को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद पृथ्वी पर आने की कोशिश करते हैं। स्पेस से पृथ्वी पर आने के लिए स्पेसक्राफ्ट को पहले पृथ्वी की परिक्रमा करना पड़ता है और उसके बाद वह पृथ्वी के वातावरण में इंटर करता है। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वातावरण में इंटर करते ही तेज स्पीड और कई गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। स्पेसक्राफ्ट की आउटर सेफ्टी कवरिंग स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित रखती हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को क्रैश होने का भी खतरा रहता है। स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी की सतह के नज़दीक आने पर यह एक हवाई जहाज की तरह ही एयरपोर्ट रनवे पर लैंड करता है। लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड एक नॉर्मल जेट के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसलिए इसके पीछे एक पैराशूट खुल जाता है जो स्पीड को कंट्रोल कर लेता है, और इस तरह अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन को कंप्लीट कर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। और इस तरह आपने इस वीडियो के माध्यम से स्पेसक्राफ्ट के पूरे मैकेनिज्म को समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।